तो दोस्तों, अगर आपके सिम में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि नो सर्विस बता रहा है, या नेटवर्क प्रॉब्लम है, या 2G है तो 3G काम करता है, 4G सेट है आपके पास, तो ये सारे प्रॉब्लम इस वीडियो में आपको हम सॉल्व करने वाले हैं। सब प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए होंगे आप तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सबसे पहला आप प्रोसेस में आपको बताऊँगा कि अगर आपके सिम में नो सर्विस दिखा रहा है या नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप काम कीजिए, सिंपल चीज़, आप अपने मोबाइल को ऊपर से खींचिए और आप देखते हैं इसको फ्लाइट मोड के बारे में आपको मालूम होगा, जो प्लेन वाला चिन्हासी है यहाँ पे, ये वाला प्लेन पे जाएं और इस पर एक बार क्लिक करके आप फ्लाइट मोड कर दें। फ्लाइट मोड करके फिर फ्लाइट ऑन कीजिए तो हो सकता है कि इससे भी आपका सही हो जाए, होता है सही। दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर आपका नेटवर्क फिर नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ही बता रहा है सिम, मतलब कि बता रहा है कि नो सर्विस बता रहा है और नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, तो दूसरा प्रोसेस ये है कि आप अपना सिम को बाहर निकालें मोबाइल से और फिर एक बार थोड़ा पहुँच कर सिम को फिर दोबारा लगाएं। तो इससे मुझे उम्मीद है 70-80% की आपका नेटवर्क फिर काम करने लगेगा। इनकेस आपने सिम भी निकाल दिया और फ्लाइट मोड करके भी देख लिया नहीं आ रहा है, तो दूसरा प्रोसेस ये है तीसरा, कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पे जाएं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में 2 सिम होगा, तो दोनों सिम का नाम यहाँ पर शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं, सिम 1 में मैंने आइडिया लगाया है और सिम 2 में एक मोबाइल ही करके सिम है वो लगाया मैंने। यहाँ पे आपका आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल कोई भी हो सकता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको मोबाइल के बारे में अभी यहाँ पे। तो मोबाइल पर करें क्लिक, अगर आपको यहाँ पे हो सकता है कि आइडिया हो तो आइडिया पर करना, एयरटेल हो तो एयरटेल पर क्लिक करना। और यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मोबाइल नेटवर्क पर कर देंगे क्लिक। यहाँ पर करके क्लिक तो आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क, यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है नेटवर्क को। तो एक बार इस पर जैसे करेंगे क्लिक, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है क्लिक और ये ओके कीजिएगा जैसे, तो ये मैनुअली आपको यहाँ पे सर्च करने लगेगा। और सर्च करने के बाद अगर आपका आइडिया का होगा, एयरटेल का होगा, तो जो भी नेटवर्क आपका होगा, जो भी सिम होगा, उसका नेटवर्क आ जाएगा यहाँ पे, उसको सेलेक्ट कर लेना एक बार। तो इसको हमेशा ऑटोमेटिक रखने सही रहता है ये। दूसरी बात, आपको अगर 4G आप का सिम है और 4G आप चलाते हैं, समटाइम्स 2G और 3G चलता है, तो प्रीफर नेटवर्क यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे करेंगे क्लिक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2G 3G 4 LTE का मतलब हो जाता है 4G। तो अगर 2G पे क्लिक है यहाँ ऐसा साइन है, जैसे देख सकते हैं आपके, मैं फिर बैक जा कर दिखा देता हूँ आपको, 2G पे है तो LTE पे कर दीजिएगा तो 4G हो जाएगा, सही है ना। ये करके देख ले एक बार, अगर ऐसे भी नहीं आता है तो फोर्थ नंबर में आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको अपना मोबाइल को रीसेट करना होगा, रीसेट मोबाइल का नहीं नेटवर्क का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में जैसे जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग, इस पर कर दें क्लिक। और यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा, सबसे नीचे आपको यहाँ दिखाई देता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, तो यहाँ आपको रीसेट करना है। और रीसेट कैसे करना है आपको, डायरेक्ट नीचे वाले रीसेट पे करेंगे क्लिक, रीसेट सेटिंग पे, तो ये आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, इनकेस अगर आपने मोबाइल चलाते चलाते इतना ना चला दिया कि कोई बटन इधर से उधर दाब दिया या कोई सेटिंग ही चेंज कर दिया आपने, तो ये सारे सेटिंग चेंज हो जाएगा एंड रीसेट हो जाएगा। ऐसा सेटिंग हो जाएगा जैसे कि आपका मोबाइल नया लेते हैं आप, तो वैसे हो जाएगा और इससे भी हो जाता है, ठीक हो जाता है। और एट लास्ट सारे सेटिंग आपने देख लिया, ये भी कर लिया, जैसे कि सबसे पहले आपने फ्लाइट मोड किया, उससे भी नेटवर्क नहीं आया, और मोबाइल का से सिम बाहर निकाले पूछ करके, उसके बाद भी लगाए वो भी नहीं उठाया, उसके बाद आपने मोबाइल सेटिंग नेटवर्क किए वो भी नहीं हुआ, मोबाइल का सेटिंग रिसेट मार दिए फिर भी नहीं हुआ, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। और कुछ देर वेट कर ले आप, कुछ देर वेट करने के बाद जैसे कि 2 घंटे 4 घंटे के बाद भी अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो एक बार आप अपने सिम, जैसे आइडिया का है, एयरटेल का है, वोडाफोन का है, जो भी है, तो उसके कस्टमर केयर से बात कर ले एक बार। बात जैसे करेंगे तो आपका तो सर्विस चलता होगा, तो सर्विस चलेगा,
और हो सकता है कभी कभी सिम जो है ना वो घिस जाता है ज़्यादा, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि उसके वजह से आपका सिम ख़राब हो जाता है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी है, आधार कार्ड से लिए हैं तो आधार कार्ड आपको जमा करना होगा फिर, और उसी नंबर से आप अपना सिम फिर ले सकते हैं और उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।